नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कड़वी है मगर 100% सच है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों को बड़े ही प्यार से और बड़े ही धैर्य से इन सब चीज़ों को समझेंगे। दोस्तों, जो लोग आपको धोखा देने वाले हैं वे लोग दोस्तों आपके आस पास भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों को हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इनसे सावधान रहना होगा और आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल एकांत में देखिएगा। नहीं तो दोस्तों, आप घर के सारी किड़ के दरवाजे बंद करें। नहीं तो यदि आपके दुश्मन को ये खास बात पता चल गई तो आपके लिए ये बहुत ही समस्या खड़ी हो सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो लोग आपको धोखा देने वाले हैं वे लोगों का पर्दाफाश इन दो दिनों में होने वाला है। और दोस्तों, जब वे व्यक्ति आपके साथ होते हैं वे आपके सामने बड़े ही मीठी मीठी बातें करते हैं और ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप उनकी बुराई को समझ ही नहीं पाते हैं। यूँ कहें तो दोस्तों, वे पीठ पीछे आपके वार करते हैं। वे व्यक्ति दोस्तों आप लोगों को आपके सामने बहुत ही अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूँ कहें कि आपके हर एक काम को बिगाड़ देना चाहता है। दोस्तों, आपके काम को कई बार वह बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग भी कर लेता है लेकिन फिर भी किसी भी कारण से वह असफल हो जाते हैं और जिसके कारण वे फिर से दोबारा आप पर अटैक करने की, हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी ही खास सावधानियाँ देने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इन दो घंटे में, इन 48 घंटों में जान लेते हैं कि कौन से बड़े परिवर्तन आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों, दिन आपका प्रेरणादायक रहेगा, इसलिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति की बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज आप लोगों को संघर्ष से कोई सफलता हासिल हो सकती है। दोस्तों, बिजनेस व्यापार वाले लोगों के लिए उत्तम दिन रहने वाला है और दोस्तों आप लोगों को भारी मात्रा में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तथा दोस्तों, जो धातु के व्यापारी हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा जो है लाभ की प्राप्ति बन सकती है, उन्हें थोड़ी हानि भी हो सकती है। और दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थितियां अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं लेकिन दोस्तों जितनी आई होगी उतनी ही तेज़ी से आप लोग व्यय करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय ज़्यादा शौक ना करें, पैसों को आने वाले समय के लिए ज़रूर बचाएं क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पैसों से ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और सभी इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि पारिवारिक माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। यूँ कहें तो दोस्तों, घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज़्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूँ, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे।
वहीं परी दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही आप भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधु की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।